हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बीओजी की 23वीं बैठक बीसीएचपीटीयू प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल में बैठक में लिए गए कई निर्णयों पर मुहर लगाई गई और उन्हें अब सरकार के पास भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 23वीं बैठक को बीसीएचपीटीयू प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिए गए कई निर्णयों पर मुहर लगाई गई और उन्हें अब सरकार के पास भेजा जाएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने तकनीकी विश्वविद्यालय में कौशल विकास के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें संचालित करने पर जोर दिया है और अनुमोदित किया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय को तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। बीओजी ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 जो कि 28 दिसंबर 2016 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था के कार्यान्वयन पर विचार किया। बीओजी ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए शाम को पीजी डिप्लोमा इन योगा शुरू करने का भी निर्णय लिया। बैठक में ईआरपी, एमआईएस, ई लाइब्रेरी, डाटा सेंटर, वेब आधारित डिजिटल स्टूडियो, गेट प्रशिक्षण, कर्मचारी कौशल प्रशिक्षण आदि से संबंधित गतिविधियों को भी अनुमोदित किया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न संकाय के लिए एवं 12वीं के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों के पद सरकार द्वारा सृजित करने के लिए एक समिति का गठन किया जो राज्य सरकार के समक्ष इस विषय को उठाएगी। बैठक में सत्र 2020-21 से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने को अनुमोदित किया। बैठक में पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को उनके डिग्री कार्यक्रम में 2 अतिरिक्त क्रेडिट देकर सम्मानित करने पर भी मुहर लगाई। अभी 11 तारीख को हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बीओजी की बैठक आयोजित की गई, क्योंकि बीओजी हमारी जो है वो सुप्रीम बॉडी है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसमें विभिन्न विषय, जैसे वहीं एक मेंबर ने ये विषय उठाया था कि कहीं ना कहीं स्किल गैप को देखते हुए ये यूनिवर्सिटी स्किल ओरिएंटेड होनी चाहिए, तो सभी मेंबर साहबान का ये आग्रह था कि इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एंड स्किल यूनिवर्सिटी बना दी जाए और इसकी प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट को भेज दी जाए कंसीडरेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा डिसीजन है और इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि टेक्निकल अपने आप में बिना स्किल के अधूरा है, तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकल के साथ, क्योंकि इकलौती टेक्निकल यूनिवर्सिटी है स्टेट की और अभी तक कोई स्किल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये अच्छा निर्णय रहेगा सरकार की तरफ से भी अगर ये टेक्निकल और स्किल विश्वविद्यालय बन जाता है। और दूसरा, कहीं अहम मुद्दों पे चर्चा हुई, जैसे कि विश्वविद्यालय को उन्होंने सराहा है, विश्वविद्यालय जो कि इस देश का पहला विश्वविद्यालय बना है कि उन्होंने ट्री प्लांटेशन को स्टूडेंट्स की डिग्री के साथ जोड़ा है और 2 क्रेडिट उसमें दिए हैं, ये डिसीजन सभी ने इसको सराहा। और इसमें एक स्किल के लिए भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर उन्होंने कहा कि ऐसा अभी प्रपोज किया है और उन्होंने कहा है कि जो नेबरिंग स्टेट्स की जैसे विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है उसको लेकर के उनके वाइस चांसलर को मैं जल्दी बुलाऊंगा, और वैसे भी अभी आने वाले समय में जितने भी कुलपति हैं वो चाहे हरियाणा के हैं, उत्तराखंड के हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, उन सभी की एक मीटिंग में बुला रहा हूँ ताकि उस मीटिंग का मैं टेक्यूब के तहत, क्योंकि टेक्यूब जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, अभी टेक्यूब में हाल ही में हमने कई निर्णय जो लिए थे उस पर भी मोहर जो है वो बैठक में लगाई गई है, जैसे कि हमने इस रीजन का एक सबसे अच्छा सुंदर वेब स्टूडियो जो है हमने नए कैंपस में बनाया है, हमने एक डाटा सेंटर क्रिएट किया है, ई लाइब्रेरी हमने बनाई है, ई लाइब्रेरी जो है वो LMS उसका यूज होगा, यानी कि एक शेयरिंग बेस बनेगा स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बेस पे जो भी टीचर्स कोई शेयर करना चाहता है, टीचर्स पढ़ाता है या स्टूडेंट शेयर करना चाहता है, या हमने कोई गेट ट्रेनिंग है, जैसे अभी हमने गेट ट्रेनिंग अभी दिलाई है 200 आवर्स की बच्चों को, उसका जो मटेरियल है ताकि सभी को फ़ायदा हो वो उसमें शेयर हो जाएगा, और भी कई कई किताब बुक्स जो हैं, हालांकि उसमें मैंडेट नहीं था लेकिन हमने कई बुक्स, ई बुक्स और ई जर्नल्स जो हैं लाखों के आसपास हमने उसमें डलवाए हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों को उसकी सुविधा मिले। और इसी तरह से हमने रिसर्च हब खोलने का निर्णय वहाँ पर लिया है, हमने कंप्लीट
क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले विद्यार्थी को बहुत जो है प्रॉब्लम वो फेस करते थे। यहाँ पर 30 दिन तक 40 दिन तक लगातार काउंसलिंग चलती थी। एडमिशन के लिए उनको तीन तीन चार चार दिन अपने पेरेंट्स के साथ बैठना पड़ता था। हमने निर्णय लिया है कि हमारा कंप्लीट इस बार काउंसलिंग जो है ऑनलाइन रहेगी, किसी को भी आने की जरूरत नहीं होगी। जितने भी टेस्ट हमारे होते थे पहले ऑफलाइन होते थे, और इस साल से ये निर्णय लिया गया है कि हमारे जितने भी टेस्ट होंगे, ये एंट्रेंस वगैरह होंगे, वो सारे के सारे ऑनलाइन होंगे। यानी कि इस सत्र से हमारा ध्यान जो है वो कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम में, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, एफिकेसी बढ़े। इसी के तहत हमने ये निर्णय भी लिया है कि ईआरपी के तहत राइट इट फ्रॉम एडमिशन, जैसे कि बच्चे ने एडमिशन का फॉर्म भरा, उसी के साथ ही जो फीस वो है वो ऑनलाइन उस पर डिपॉजिट हो जाया करेगी। एक पोर्टल हमने अलग से बैंक के साथ गेटवे बना दिया है। तो इसी तरह से कई निर्णय है। हमने ईआरपी कंप्लीट राइट इट फ्रॉम एडमिशन टू प्लेसमेंट, प्लेसमेंट को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, उसके तहत भी हमने एक प्लेसमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की है। इस तरह से कई निर्णय जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैं समझता हूँ इस बार लिए गए हैं।